जी एक्चुअली मेरे पास पहले फ़ोन आया था जी का लाइक 4 years back, 4 साल पहले, एंड देन तभी कुछ बात बनी नहीं थी संभव। तो बंगाल में तो मेरा काम जैसा चल रहा है, प्लेबैक एंड ऑल सब कुछ कर रहा था। सो 2021 अराउंड जून और जुलाई तभी मेरे पास कॉल आया जी से, अनुराग सर ने कॉल किया, अनुराग बेदी सर। तो उसके बाद आई गॉट द फर्स्ट सॉन्ग फॉर द मूवी बोले चुड़िया और नवाजुद्दीन सिद्दीकी, एंड वहाँ पे मैंने 2 गाने गाए, एक का नाम था तुम पे हम तो, और एक सॉन्ग का नाम था नहीं बोलना, ये दोनों गाने मैंने गाए थे। देन उसके बाद एक एक करके गाना रिलीज होते गए, एंड फिर जैसा जैसा काम आता गया डिफरेंट कंपोजर्स एंड ऑल, एंड बट जर्नी अभी तक मतलब इट्स क्वाइट प्लेजेंट, अच्छा है। व्हाट इज योर यू नो योर रिएक्शन द मोमेंट द मेकर ऑफ बोले चुड़िया आस्क यू टू बी ऑन बोर्ड? एज पर माय नॉलेज इंफॉर्मेशन नवाजुद्दीन सिद्दीकी इज द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म। ओके, व्हाट वाज योर रिएक्शन द मोमेंट दे आस्क यू टू बी ऑन बोर्ड फॉर बोले चुड़िया? आई गॉट वेरी एक्साइटेड बिकॉज़ नवाजुद्दीन सिद्दीकी इज अ बिग स्टार, एंड पहले मूवी के लिए, पहले सॉन्ग के लिए बॉलीवुड में उनके लिए गाना, उनके मूवी के लिए गाना, इट्स अ बिग डील एक्चुअली। तो थोड़ा नर्वस भी था बिकॉज उसको डिलीवर भी वैसे करना, मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी वैसा है कि अगर पहला कॉल आया, पहला गाना दिया और ठीक से अगर कर नहीं पाया तो खुद के लिए भी बहुत मतलब टेंशन की बात हो गई, बट समहाउ आई मैनेज एंड सर को भी अच्छा लगा एंड द सॉन्ग केम आउट गुड, पब्लिक ऑल्सो। उनका ब्रीफ एग्जैक्टली कुछ था नहीं, इट्स अ रोमांटिक सॉन्ग, बट क्योंकि अभी प्लेबैक वैसा नहीं होता जहाँ पे लिपसिंग होता है, तो इसलिए उतना ब्रीफ नहीं रहता कि कैरेक्टर के हिसाब से गाओ या वैसा, तो नॉर्मली ब्रीफ था कि इट्स अ रोमांटिक सॉन्ग, तो जितना प्लेजेंट स्मूथ इसको गाया जा सकता है। आपको पता था नवाज के लिए प्लेबैक कर रहे हैं आप या आपको? हाँ हाँ जी जी, ये मुझे पता था, ये मुझे बताया गया। नवाज भाई से? हाँ नहीं, बात नवाज भाई से बात नहीं हुई जी। ओके, विद्युत जामवाल का जब जी, वो भी यंग है जी, और आप भी यंग हैं, और जब वो प्रपोजल आपके सामने आया तो आपका क्या रिएक्शन था और कैसा उसका जर्नी कैसा रहा और क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, उसका जो था इट्स फॉर सनक मूवी के लिए मैंने गाना गाया था, देन इट ऑल्सो केम फ्रॉम जी एक्चुअली। सो उसका भी कुछ अलग से ब्रीफ नहीं था, बट क्योंकि वो पेपी नंबर था एंड म्यूजिक वॉज बाई चिरंतन भट्ट, तो उनका म्यूजिक नॉर्मली थोड़ा अलग रहता है क्योंकि वो वेस्टर्न पे ज़्यादा फोकस करते हैं। सो इसलिए तो गाना इतना इंटरेस्टिंग था कि ब्रीफ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज ये गाने में नॉर्मली मैं गाते वक्त ही कुछ अलग चीज़ें निकल आया, क्योंकि नॉर्मल जब आप नॉर्मल कोई काम करते हो उसके बाद कोई अनयूजुअल काम होता है तो कुछ चीज़ें नया निकल ही आता है। अमित जी के लिए भी आपने गाया बोले चुड़िया का तुम पे हम तो सिंग, तुम पे हम तो मरे जा रहे हैं, मिटने की जिद किए जा रहे हैं। जब मैं बंगाल की बात करता हूँ, कलकत्ता की बात करता हूँ, आरडी बर्मन, एसडी बर्मन, प्रीतम दाब, लीजेंड्स आए हैं वहाँ से, चाहे आप लिटरेचर की बात कर लीजिए, थिंकर्स यू नो, बड़े बड़े लोग वहाँ से आए, इंटेलेक्चुअल फिलोसोफर जी, राइटर वहाँ से निकले हैं। ये लेगेसी जो ऑलरेडी बॉलीवुड में इतनी एस्टेब्लिश है, आप किसे अपना आदर्श आइडल मानते हैं? आइडल में एक्चुअली मानता हूँ माइकल जैक्सन को, जो बॉलीवुड से नहीं मतलब रिलेवेंट नहीं है, बट बचपन से वो ही था मतलब। लेकिन अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूँ तो कुछ इंडस्ट्री में आइडल वैसा कुछ अलग से कुछ था नहीं, बट सॉन्ग के हिसाब से मैं कुमार शानू को सबसे ज़्यादा पसंद बचपन से करते आया हूँ, क्योंकि 94 में मेरा जन्म हुआ, उसके बाद से कुमार शानू के गाने में मतलब लगातार दिन भर सब सुनता गया, तो नेचुरली वो टेस्ट जब बैठ गया ज़्यादा। नहीं, अनफॉर्चुनेटली वो भी बंगाल से, मैं बंगाल से, दोनों को अभी तक मुलाकात हुआ ही नहीं है, तो आई होप जल्दी हो जाए। ओके, किसी एक इंडस्ट्री से किसी एक आर्टिस्ट जिसके लिए आप प्लेबैक करना चाहेंगे? सबके लिए रणवीर कपूर और रणवीर सिंह वुड गो फॉर यू नो, फर्स्ट प्रेफरेंस वुड बी रणवीर कपूर देन रणवीर सिंह। रीज़न कुछ है नहीं, बट क्या है रणबीर कपूर का आई थिंक उसका, क्योंकि मैंने देखा है ना लाइक रॉकस्टार में उन्होंने गाया था सड्डा, तो आई हैव सीन हिम लाइक सिंगिंग द सॉन्ग्स, तो उनका जो गला का नस वगैरह वो सब निकला था गाने में, इतना रियलिस्टिक किया था, तो वो देखने बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि मेरा गाना जब वो गा रहे हैं
तो उसको देखने में कैसा लग रहा है कि माई वॉइस इन डिफरेंट फेस कैसा आ रहा है, बिकॉज ही सिंग्स सो रियलिस्टिकली. ओके, व्हाट हैपनिंग विद प्रोफेशनल फ्रंट, व्हाट देयर द पाइपलाइन, मतलब व्हाट्स अपकमिंग? यस, मुझे कुछ पता नहीं है. मतलब आपको तो पता है, अभी गाना गाता हूँ, रिलीज कब होता है मालूम बहुत कम मतलब पता चलता है. अनलेस म्यूजिक डायरेक्टर बहुत फ्रैंक है मेरे साथ, मतलब फ्रैंक होने के बाद भी उनको भी कभी कभी पता नहीं चलता. तो इट्स वेरी टफ टू से, मतलब कुछ है सामने पड़ा है. अच्छा, कलकत्ता से फिर बॉलीवुड आए. हाँ, जब बॉलीवुड में गाने रिलीज हुए, फॉर सनक हो, फॉर बोले चूड़िया, और अभी जो राजकुमार राव की आई बधाई दो, ये सब मूवीज में गाने के बाद सिंगल्स जिसे इतने सारे रिलीज हो चुके हैं, हर महीने ऑलमोस्ट आपके 3 गाने आ रहे हैं. हाँ, नाउ व्हेन यू गो टू बैक टू बंगाल, हाउ इज योर लाइफ एंड हाउ इज द रिएक्शन? ऑनेस्टली कुछ उतना बदला नहीं, ऑनेस्टली कुछ उतना बदला नहीं, क्योंकि बंगाल में क्या है, इट्स अ डिफरेंट इंडस्ट्री. सो वो उतना मतलब आई डोंट नो, वो लोग खबर रखते हैं कि नहीं वहाँ पे क्या हो रहा है कि नहीं, बट हाँ आउटलुक थोड़ा बहुत तो चेंज हुआ है, क्योंकि एक बार बॉम्बे में आपका बॉलीवुड में काम निकल आता है तो वहाँ पे भी अलग थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू हो जाता है. पर कभी ध्यान दिया नहीं, तो आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट दे फील अबाउट मी राइट नाउ. इतने सॉन्ग्स में से कोई फेवरेट सॉन्ग आपका खुद के? मेरा अभी तक का सबसे फेवरेट सॉन्ग रहा, दो गाने हैं एक्चुअली, एक है चले आते हैं और एक है विवेक दा का बैठे मेरे सामने, तू बैठे मेरे सामने. तुम्हें उतना अभी याद नहीं, हुक लाइन ही याद है, लेकिन तू बैठे मेरे सामने मैं देखूं बार बार, तू बैठे मेरे सामने मैं देखूं बार बार, आँखों से करूं तुझको प्यार, तू बैठे मेरे सामने मैं देखूं बार बार. अभी जैसे हाँ लॉकडाउन के बाद अभी धीरे धीरे बिल्डअप हो रहा है इंडस्ट्री, शोबिज के जो इंडस्ट्री है, इवेंट्स वगैरह फिर से चालू हो रहे हैं, तो अभी भी उतना चालू नहीं हुआ जितना होना चाहिए, क्योंकि जो मतलब नॉर्मल जगह पे लाइक पब्लिक शोज वेस्ट बंगाल में और बाकी सारे शोज क्लब्स में वहाँ पे हो रहा है, कॉरपोरेट शोज तो चालू भी थे पहले, प्राइवेट लाइक संगीत इवेंट्स दोज आर स्टार्टिंग. आई थिंक कमिंग सितंबर से प्रॉपरली वो स्टार्ट हो जाएगा. चीज़ है कि हर इंडस्ट्री को सपोर्ट मिली है फाइनेंशियली, हो हर चीज़ को. बॉलीवुड इंडस्ट्री जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, चाहे हमारे फोटोग्राफर्स हो, आर्टिस्ट हो, सिंगर्स हो, इनको कहीं से कोई हेल्प फंडिंग नहीं मिलता. ओके, सो व्हाट्स योर से टू अदर पीपल कि अभी लॉकडाउन वी ऑल्सो नीड सपोर्ट, बी एज एन आर्टिस्ट जो शोज हो, यू नीड टू गिव फ्रीडम टू आर्टिस्ट कि इतने गैदरिंग्स होने चाहिए, टिकटिंग, स्पॉन्सर्स, व्हाटएवर. आई डोंट नो क्यों नहीं होते, मुझे एक्चुअली ये बात की उतना खबर नहीं था, बिकॉज मैं इन सब चीज़ों में थोड़ा मतलब कम खबर रखता हूँ, बट होना चाहिए एज यू सेड कि ये होना चाहिए कि सपोर्ट सबको मिलना चाहिए. अगर किसी की फाइनेंशियल इनकम कोई नेचुरल कैलमिटी की वजह से कम हो रहा है तो दे शुड बी टेकन केयर ऑफ बाय द गवर्नमेंट. सोशल मीडिया पे बहुत आपको देखा जाता है और मिलियन मिलियन में व्यूज जाते हैं, वो सिर्फ किसको जाता है और क्या कहना चाहिए? सॉरी और एक बार, वो सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे आपको बहुत देखा जाता है. हाँ हाँ, मिलियन मिलियन में व्यूज जाते हैं आपके. जी जी, तो किसको जाता है श्रेय? क्रेडिट, आई डोंट नो, जो भी सोशल मीडिया लाइक इंस्टाग्राम में अगर जाता है तो इंस्टाग्राम को ही श्रेय जाता है मेरा वीडियो चलाने के लिए. ये एक्चुअली क्या है ना, अभी एल्गोरिथम में चलता है, एक ही वीडियो में आज डाल दिया वो मिलियंस पे चला गया, वो सेम वीडियो में दो हफ्ते बाद डाला वो 1 लाख भी नहीं गया, तो इसका कुछ कहना नहीं है, मतलब आई डोंट नो कि कैसे काम करता है. ओके, आप ही हैंडल करते हो, दूसरा कोई हैंडल करता है? नहीं, मेरा भी मैं खुद ही करता हूँ, क्योंकि मेरा बहुत पर्सनल चीज़ें हैं लाइक फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम. यूट्यूब के लिए मेरा एक बंदा है जो डिजिटली वो हैंडल करता है, बट इंस्टाग्राम इज टोटली प्राइवेट, मैं खुद ही करता हूँ. कहना चाहेंगे यूट्यूब से चलते चलते क्या आ रहा है और क्या कुछ संदेश या कुछ? अच्छा, जैसा कि पहले आप मुझसे पूछा गया, आप अपकमिंग के बारे में मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा क्योंकि मुझे भी कुछ मालूम नहीं है, बट आप लोग मेरा गाना अगर सुनते हैं अच्छा लगता है तो कीप लिसनिंग, आई फील गुड, आई बी हैप्पी. यो सर, अनुराग बेदी जो जीके है, जितना उन्होंने सपोर्ट किया आपको, व्हाट यू वांट टू से अबाउट जी म्यूजिक? हां, जी म्यूजिक, आई वुड लाइक टू से अनुराग सर ने हैज सपोर्टेड मी लाइक इमेंसली, ही इज आल्सो सपोर्टिंग मी राइट नाउ. ये ऑल्सो गिव मी, मेरा एक्चुअली नेजल का कुछ प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी डॉक्टर एक सजेस्ट किया उन्होंने, आई गॉट द अपॉइंटमेंट ऑल्सो. तो हाँ, ही इज रियली सपोर्टिव, लाइक इज लाइक अ बिग ब्रदर एक्चुअली.